पीएम मोदी जैसे ही मैच देखने पहुंचे हमारे विकेट गिरने शुरू हो गए। पीएम मोदी टीम के लिए पनौती साबित हुए और हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। इससे पहले भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा। कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हल्का जनरेटर है। इसमें जिम्मेदार है खेल में राजनीति करना, खेल में अपनी दादागिरी चलाना। इसके लिए जिम्मेदार है बीसीसीआई और जय शाह जैसे क्रिकेट के हुक्मरान, जिन्होंने आईसीसी के टूर्नामेंट को बीसीसीआई का टूर्नामेंट बना दिया। जिस तरह से कल टीम इंडिया बिल्कुल हार की कगार पर थी, हार रही थी, खिलाड़ी हताश हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की स्टेडियम के अंदर यूं मुस्कुराती तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का ये मुस्कुराना लोगों को बहुत अखरा। सामनेग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड टॉप कर रहा है और गुज़श्ता रात से वो टॉप पर है, वो है पनौती। पनौती कहते हैं मनहूस को, जो जिस जगह जाता है वहां पर बने बनाए सारे काम खराब कर देता है। और उस ट्रेंड को अगर आप खोलें तो आपको एक शख्स नजर आएगा, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारती उसे पनौती क्यों कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में भारतीयों ही की जुबानी आपको बताएंगे। आपने वो वीडियो तो हमारी पिछली वीडियो में भी देखी होगी, जिसमें एक शख्स मैच खत्म होने के बाद बाहर निकलकर मीडिया के सामने लाइव ये कहता है कि मैं तो समझ रहा था कि सबसे बड़ा पनौती मैं हूं कि भारत मैच हार गया मेरे आने की वजह से, लेकिन फिर मैंने स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी को देखा तो फिर मुझे इत्मीनान हुआ कि बड़ा पनौती तो यहां पर बैठा है। यानी ये इज्जत है वहां के नरेंद्र मोदी साहब की, जिनकी मीडिया कैंपेन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इनकी सियासत है कि जो मर्जी हो जाए भारत में ये सियासत करते रहेंगे। और क्रिकेट को भी सही तरह से जबरदस्त तरीके से सियासत में यही घसीट कर लाए, क्योंकि इनके राइट हैंड अमित शाह का बेटा जय शाह इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कर्ता धरता है, यानी उसका सेक्रेटरी है। और पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप में जितनी भी चवलें बजी हैं वो सारी की सारी जय शाह की ही वजह से हुआ है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी थ्रू आउट द मैच अपने सियासी पेजेस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा लगा कर सियासत सियासत खेलती रही, लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेलना था वो खेले भी और वर्ल्ड कप भी जीत कर चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी अपना सा मुंह लेकर बैठ गया और इस वक्त पनौती की सूरत में पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और भारतीय मीडिया कैसे अपने ही प्रधानमंत्री को रगड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया हारी, उससे हर भारतीय का दिल टूटा है, लेकिन कुछ ऐसा इस बीच हुआ है दोस्तों जिसने हैरानी पैदा कर दी, क्योंकि इससे पहले भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा हो। एक दो नहीं, ऐसे हजारों पोस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भरसक आलोचना हो रही है। जिस तरह से कल टीम इंडिया बिल्कुल हार की कगार पर थी, हार रही थी, खिलाड़ी हताश हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की स्टेडियम के अंदर यूं मुस्कुराती तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का ये मुस्कुराना लोगों को बहुत अखरा। इसके अलावा आज तक की एक क्लिप सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है, जिसमें हार के बाद फैन से रिपोर्टर बात कर रहा है और उस रिपोर्टर से फैन कहने लगता है कि वो एमपी से आ रहा है वोट डाल के, उसे लग रहा था कि वो पनौती है, लेकिन अब देखा कि पीएम मोदी खुद भी स्टेडियम में मौजूद है। और जैसे ही उस दर्शक ने ये बात बोली, आज तक ने आवाज नीची कर दी उस दर्शक की, लेकिन वो क्लिप सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, पनौती नहीं। और इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के लिए अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो बहुत ही गलत हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। हाँ, तो तब हो गई दोस्तों जब राजस्थान के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ने कल टीम इंडिया के हार जाने क्या ठीक रहा पीएम मोदी के सर फोड़ दिया और कह दिया कि मोदी तो हार का जनरेटर है। क्या रहा वर्ल्ड कप का, कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हार का जनरेटर है। दोस्तों, इस बीच बीसीसीआई पर कई सवाल तब और उठने लगे जब खुद 83 के वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन कपिल देव ने अपने मुंह से ये बात बोली कि बीसीसीआई ने इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में, वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में, उन्हें बुलाया ही नहीं। न केवल कपिल देव बल्कि महेंद्र सिंह धोनी भी इस इतने इंपॉर्टेंट सेरेमनी से गायब थे, उनको नहीं किसी ने देखा। आप सोचिए, वो दो कैप्टन जिन्होंने टीम को वर्ल्ड कप दिलाया है, वो दोनों ही इस सेरेमनी में नहीं थे। हर कोई इस बात को लेकर बीसीसीआई की आलोचना कर रहा था कि पर्दे पर कपिल देव का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह को तो बुलाया गया, लेकिन कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी बहुत सारी वजह है। एक, हार। जब आप हारते हैं तो जाहिर तौर पर किसी ना किसी के सर पर ठीकरा फोड़ा ही जाता है। और दूसरा और सबसे प्रबल वजह है दोस्तों, आईटी सेल। अब तक जो एक खास वर्ग का आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल है, उसने हमेशा दूसरे पक्ष के लोगों को, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो या कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बोलता हो, उसे हमेशा ऐसे टारगेट किया है जैसे वो कोई देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो या वो कोई पनौती हो। दोस्तों, करोड़ों क्रिकेट फैंस का आज दिल टूट गया, क्योंकि चैंपियन की तरह खेलकर भी हम वर्ल्ड कप में चैंपियन नहीं बन पाए। फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
कई लोग इस हार के बाद पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी जैसे ही मैच देखने पहुंचे हमारे विकेट गिरने शुरू हो गए, पीएम मोदी टीम के लिए पनौती साबित हुए और हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। कई लोग पीएम मोदी को इस बात को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं कि जब टीम इंडिया मैच हार रही थी तो पीएम मोदी अमित शाह के साथ बात करते हुए ठहाके लगा रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी के लिए इंडिया हारे या जीते बस अपने प्रचार से मतलब है। लेकिन दोस्तों इस हार के लिए ना तो पीएम मोदी जिम्मेदार हैं और ना ही हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिम्मेदार हैं, ना ही खेल जिम्मेदार है। इसमें जिम्मेदार है खेल में राजनीति करना, खेल में अपनी दादागिरी चलाना। इसके लिए जिम्मेदार है बीसीसीआई और जय शाह जैसे क्रिकेट के हुक्मरान जिन्होंने आईसीसी के टूर्नामेंट को बीसीसीआई का टूर्नामेंट बना दिया। अब तक दूसरे देश के लोग ऐसा आरोप लगाते आए थे, आज हम जैसे लोग कहने को मजबूर हैं क्योंकि जीत में बहुत सारी बातें नहीं बोली जाती लेकिन जब हार होती है तो उसका विश्लेषण किया जाता है। आज टीम इंडिया को क्या भारी पड़ा, सबसे भारी पड़ा जैसा पिच बनाया गया फाइनल को लेकर। इस तरह की पिच कभी वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने पहले नहीं देखी होगी जिस पर बल्लेबाज एक एक रन को तरस जाए। बहुत सारे लोग लॉजिक देंगे कि जिस पिच पर टीम इंडिया खेली उसी पर तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बल्लेबाजी की। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरह की पिच बनाई गई थी और दिन में बल्लेबाजी करने में और जब ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की रात में उसमें क्या अंतर था। पहले तो पिच को लेकर बात करते हैं। खेल पत्रकार विक्रांत गुप्ता का ये ट्वीट आप देखिए। विक्रांत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार है, देश दुनिया में उनको क्रिकेट फैन सुनते हैं। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि यह पिच ड्राई नहीं है, ये वेरी वेरी ड्राई पिच है, यानी बहुत ज्यादा सूखी विकेट। और यही वजह है कि दिन में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो हर्षा भोगले का भी ट्वीट देखिए। हर्षा भोगले ने लिखा कि मैंने शायद पहले आखिरी बार कब देखा था याद नहीं आ रहा कि 29 ओवर में एक भी चौका ना लगे। तो इस तरह का पिच था जिस पर सूर्य कुमार यादव जैसे आक्रामक खिलाड़ी भी एक एक रन को तरस गए क्योंकि बीसीसीआई और क्रिकेट को चलाने वाले जो हुक्मरान हैं उन्होंने सोचा कि फाइनल में जीतने के लिए ड्राई विकेट बनाया जाए क्योंकि स्पिन गेंदबाजी हमारी अच्छी है तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर फंस सकता है। लेकिन टॉस ने सारा खेल खराब कर दिया, हमारी पहले बल्लेबाजी आ गई। दिन में बल्लेबाजी के लिए पिच मुश्किल थी क्योंकि गेंद जैसे जैसे पुराना होता गया तो रिवर्स स्विंग भी कर रही थी, स्पिन भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही अंडर लाइट हम गेंदबाजी करने गए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई तो ओस गिरना शुरू हो गया। और जैसे जैसे जो लोग क्रिकेट को समझते हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट को आप सुनते होंगे तो जैसे जैसे ओस गिरती है तो जो ड्राई विकेट है वो जो ड्राइनेस है विकेट की वो खत्म हो जाती है, गेंद अच्छे से बल्ले पे आने लगती है, स्किड करके आती है, ना स्पिन होता है ना रिवर्स स्विंग होता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसका फायदा उठाया और हम फाइनल मैच हार गए सिर्फ एक खराब पिच की वजह से क्योंकि हमने ट्रिक आजमाई। और ये क्यों गलत है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार होम एडवांटेज लेने में बुराई क्या है। दोस्तों ये होम एडवांटेज हम नहीं ले सकते, ये हमारा टूर्नामेंट नहीं था, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। लेकिन चूंकि 90% से ज्यादा पैसा बीसीसीआई से जाता है तमाम क्रिकेट खेलने वाले देशों को तो एक तरह से बीसीसीआई और आईसीसी दोनों एक हो गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि आईसीसी में हमारी सबसे ज्यादा चलती है, इसीलिए फाइनल के लिए ऐसी पिच तैयार की गई जो हम पर ही भारी पड़ गई। सवाल ये उठता है कि हमारी टीम जब इतनी अच्छी है तो ऐसा बैटिंग विकेट बनाते कि हमारी टीम 400 रन टांग देती, हमारे पास इतना अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप है गेंदबाजी लाइनअप है तो हमें इस तरह की पिच की क्या जरूरत है। हम किसी भी विकेट पे किसी भी टीम को हराने का मादा रखते हैं, अगर अच्छा बैटिंग पिच होता तो हमारी टीम भी बहुत बड़ा स्कोर बनाती, फिर ओस गिरती तो भी हमारे गेंदबाज मैनेज कर जाते। लेकिन दिन में इतना खराब पिच खेला कि हमारी बल्लेबाजी के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि इस ट्रिक की वजह से हम मैच हार गए। बीसीसीआई और जय शाह जैसे क्रिकेट चलाने वाले लोग जिस तरह सब कुछ अपने हिसाब से करने को आमादा है